राम राम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब बताइएगा जरूर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे हिमाचली ब्लॉगर मधु ठाकुर। मेरा नाम है मधु और आज मैं आपको कुछ सामान दिखाऊंगी। कल मैं गई भी थी वहाँ पे, अर्की गई थी मैं अपनी मार्केट वहाँ मशीन ठीक करवाने, तो मशीन ठीक हो चुकी है और मेरा काफ़ी काफ़ी जो है मेरा टाइम की बचत होगी और यूट्यूब के लिए मैं कुछ टाइम दे पाऊँगी। कुछ क्या मतलब, ज़्यादा टाइम देती तो मैं। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले ट्राईपोड दिखा देती हूँ क्योंकि बाद में फिर ना मैं इसके ऊपर फ़ोन लगाऊंगी बाकी सामान दिखाने के लिए। तो ये ट्राईपोड भी सेल्फी स्टिक है। अब इसको मैं खोल के कैसे बताऊँ, चुरुंजा, हाँ चुरुंजा इंच का हो जाता है, 54 इंच का ये हो जाता है लंबा। और इसमें फ़ोन कैमरा जो मर्जी सेट करो। ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं बाद में दिखाऊंगी आपको कभी अच्छी तरह से क्योंकि मुझे और सामान दिखाना है। और फिर ये इस तरह से खुलता है, कैसे ये खुलता है। और इसमें रिमोट का सिस्टम है, आप जहाँ मर्जी इसको सेट करो इसके ऊपर। ये देखो ब्लूटूथ, ये रिमोट से जो है फ़ोन यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे फ़ोन लगेगा। दूसरा फ़ोन होता तो मैं दिखाती आपको यहाँ पे, ये देखिए ठीक है। तो इनमें से कुछ सामान मैं आपको दिखा रही हूँ और जो मैंने कुछ मंगवाया था और कुछ जो है मैं लेके आई थी अर्की से, है ना, वो मैं आपको दिखाऊँगी यहाँ पर। अरे मुँह लाल लाल, कैमरे में कुछ दिक्कत, अच्छा वो लाइट पड़ रही है बाहर से तो लाल लाल हो रहा है मुँह। तो जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी सामान था अमेजोन से, क्या क्या आया है एक एक करके आ रहा था तो मैं इतने दिनों से आपको नहीं बता पा रही थी। मैं इसको ट्राईपोड के ऊपर लगा लेती हूँ। एक तो ये है, ये देखिए मेरी सबसे ज़्यादा मेन चीज़। और इसको जो है अब मैं रेसिपी अभी दिखाया करूँगी आपको, काफ़ी दिन हो गए थे कोई रेसिपी नहीं आ रही थी, थोड़ा सा चेंज है। और हाँ, आज जो है निशा, निशा है हमारी एक सब्सक्राइबर और उनके बेटे हितांश का जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे बेटा, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तुम बहुत जुगजुग जियो, लंबी उम्र जियो और माता रानी तुम्हारे ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सामान। तो चलो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं वो दिखा लेती हूँ जो मैंने मंगवाया था, है ना, अमेजोन से। रेड रेड आ रहा है कैमरे में, अच्छा ऊपर से भी होता है इसमें फोकस, पता नहीं क्या होता है। तो सब एक तो मैंने ये दिखा दिया आपको, है ना, और दूसरा है ये पावर बैंक। पावर बैंक हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आईबॉल का है, अच्छी कंपनी का है, बहुत अच्छा है। और क्योंकि हमारी लाइट जाती रहती है तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। मेरे पास फ़ोन भी एक ही है, एक ही फ़ोन से काम चल जाता है और शुरू से मैंने यही रखा है। अभी मैं इसको बदलने भी वाली नहीं हूँ जब तक कि हमारी फैमिली 1 लाख तक नहीं पहुँच जाती, उससे पहले मैं कुछ भी नहीं लेने वाली हूँ, ना कैमरा ना फ़ोन कुछ नहीं, ये मैं सोच रही हूँ। वैसे अगर बीच में ले लिया तो ले भी लिया, ऐसा पक्का भी नहीं बोल रही हूँ कि नहीं मैं लूँगी नहीं। और दूसरा है ये हेडफोन, ये ब्लूटूथ कनेक्टेड और इसमें इनमें ना माइक भी है। सबसे बड़ी जो बात है इनमें माइक भी है और माइक मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे वॉइस ओवर देते हुए ना दिक्कत होती थी, तो मैंने माइक ना करके इसको ही मंगवाया। और इसमें बहुत से फ़ायदे हैं मेरे को, जैसे मैं गाना गाती हूँ कुछ भी, अगर स्टार मेकर में गाऊँगी या कुछ भी तो इसका जो बहुत फ़ायदा, और काफ़ी दूर तक कनेक्ट हो जाता है इससे फ़ोन मतलब। तो ये चीज़ अभी मैंने इससे जब किया कि नहीं, कि इसको अभी भी नहीं जोड़ा है मैंने, देखो वॉइस ओवर बहुत अच्छी और बात भी ना बिल्कुल क्लियर साउंड आएगी, इससे कैच करेगा एकदम से बहुत अच्छी आवाज़। ये के हैं दो चीज़ें हो गई, ये और एक हो गया ट्राईपोड, तीन चीज़ें है ना बस वहाँ से। तो ये चीज़ें एक एक करके आ रही थी, ये चीज़ें ना एक एक करके आ रही थी। और चलो अब मैं हाँ एक और चीज़ बता देती हूँ मैं, एक मंगवाई थी मैंने ये साड़ी, ये देखिए आप लोग बोल रहे थे ना कि साड़ी में वीडियो बनाओ, साड़ी में वीडियो बनाओ, तो ये देखिए ये साड़ी। और इसमें अब ये भाई इसमें पता नहीं क्या क्या है, अब इसको कौन तो खोलेगा और फिर इसको, मेरे को बड़ा बोरिंग लगता है काम। चलो मैं आपको पूरी दिखा देती हूँ इसको, है ना, बैठ के दिखाऊंगी मैं, खड़ी नहीं हो सकती, खड़ी होगी तो मैं पहन के दिखाऊंगी जब आपको दिखाऊंगी कहाँ गया है इसका। और मैं पहली बार साड़ी पहनने जा रही हूँ वीडियो में, एक दो दिन लग जाएगा अभी मुझे क्योंकि मुझे शानू को लेने जाना है ना बीच में। तो ये देखिए ये है साड़ी, कहाँ से हो गई भी, ये देखिए बहुत सुंदर है ना, ये देखिए ये वाली। और पता नहीं ये लड़की से लगवाऊंगी मैं, मुझे तो लगानी भी नहीं आती, मैं सच्ची बात बताऊं, कहाँ इसका ये आएगा कहाँ इसका क्या आएगा मुझे नहीं पता, फालतू में क्यों ऐसे ही वो करना कि ना मुझे तो आता है सब कुछ, जो नहीं आता भाई काम वो नहीं आता। ये कभी पहनी भी नहीं है,
ये चीजें, और एक वो चीज आपको और दिखाती हूँ। साड़ी है तो उसके साथ और भी कुछ चाहिए था ना। ये देखिए मेरा नेकलेस कितना सुंदर है ना। एक ये है और नेकलेस के साथ में ये हैं कान के, और ये हैं कहाँ गया, अरे रुक जाना। ये देखिए, ये देखिए अच्छा लगेगा। एक ये हैं और चूड़ियाँ हैं, चूड़ी बजी है कहीं दूर खन खन खन, वो कंगना बजा है कहीं। ठीक है, ये तो हो गया ये सामान। और अब मैं दिखाती हूँ आपको जो मैं कल लेके आई थी अर्की से, है ना। तो अर्की से मैं लेके आई थी दो लोअर लेके आई थी। एक तो हनी ने पहना है, उसको मैं अभी बुलाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी उसको। और उसके पापा ने भी पहन लिया है, इनके पास लोअर नहीं थे घर पहनने के लिए, तो मैं लेके आई थी। पता नहीं महंगे दिए कि सस्ते दिए, मैं दिखाती हूँ अभी कितने के क्या है। तो ये कभी नहीं लाते अपने लिए कपड़े, ये हमेशा मतलब इनके लिए मैं ही लाती हूँ, बच्चे छोटे से तब भी इनके लिए भी और इनके पापा के लिए भी जब से शादी हुई। तो ये पता क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं इनको इनको लेने नहीं आता, ये बोलते हैं कि दुकानदार ना हमारे को ठगते हैं, बोलते तो डिस्काउंट ले लेती है और हमसे नहीं बोला जाता कि कम करो या कम, ये कभी नहीं बोलते, जितने मांगेंगे उतने ही दे देंगे। और तो फिर तब लाती हूँ मैं। और ये हनी के लिए टी शर्ट लेके आई थी एक, ये वाली, इसको अंदर भी पहन सकते हैं बाद में, है ना, जब सर्दी होगी तो अंदर भी इसको पहन सकते हैं, और ऐसे गर्मियों में इसको सिंगल इसके साथ भी चल पड़ता है। और ये लाई थी मैं हनी के लिए पैंट, पर ये हो गई इसको टाइट, और अब इसको चेंज करवाने भेजना पड़ेगा इसी को। बहुत अच्छी थी काफ़ी, मतलब बहुत अच्छा इसका स्टफ बहुत अच्छी थी। और ये किस चीज़ की है, ये पता नहीं किस चीज़ की है, क्या है, मैं तो इसका कपड़ा देखती हूँ कि अच्छा है। ये देखिए ये हनी की पैंट थी, और पर ये इसको ना ये टाइट हो गई, अब इसको खुद ही भेजूंगी मैं। वैसे हर बार पूरी हो जाती थी जो मैं लाती थी ना, ये अब तगड़ा भी हो गया है ना, मोटा भी हो रहा है, मोटा तो नहीं पर जैसे बढ़ रहा है ना इसकी हाइट वगैरह। तो ये इसके लिए पैंट लेके आई, और एक ये इसके लिए शर्ट, ये बनियान स्पोर्ट्स की है, ये भी हनी के लिए ही है। और एक ये हो गया इसका, और एक ये है। शानू के लिए भी कुछ नहीं लाया, क्योंकि पता है क्या है शानू के लिए, ठीक है मैं दिखा लेती हूँ फिर बताती हूँ मैं। ये कि ये है, ये देखिए ये इनके पापा के लिए थी, ये भी जो है पहले तो हो जाती थी, ये मतलब टाइट हो गई। हनी ने पहना है, इधर बुलाती हूँ मैं इसको एक मिनट, इसने जो लोअर पहना है ये मंगवाया, अच्छा इधर एक मिनट फिर चला जाती, खाना ही है तूने जो पहना है घर पहनने के लिए। तो ये है टी शर्ट, ये हो गई टाइट, हनी जाएगा थोड़ा खुली लेके आएगा, है ना। ये वाली बहुत सुंदर थी, ये इनको ना ऐसी टी शर्टें पहनना पसंद है। ये देखिए, ये देखिए, और ऐसे मैं कभी नहीं लाती जो बहुत ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती है या कम हो जाती है, ऐसे मैं फालतू कपड़े अपने लिए तो कुछ भी नहीं लेती ना, मतलब बहुत कम लेती हूँ मैं, बहुत कम शॉपिंग करती हूँ अपने लिए। और ये इनके पापा के लिए पैंट, पैंट इनके पास नहीं थी ना, बच्चों के पास है ना इनके पास है, बहुत दिन हो गए, साल डेढ़ साल हो गया था, डेढ़ साल हो गया मेरे ख्याल में, हमारे भतीजे के मतलब जेठ जी के लड़के की शादी थी अप्रैल में पिछले साल, तब लिए थे इनको सबको कपड़े, तो उसके बाद जो है नहीं लिए थे। फिर ये जैसे बड़े बड़े भी हो रहे ना तो छोटे भी हो जाते, ऐसे नहीं मैं लेती हर कभी कपड़े, साल दो दो साल बाद ऐसे ही लेती हूँ। तो पहले क्या होता था कि हनी के नहीं मिलते थे, जब ये 13-14 साल की उम्र में होते ना बच्चे, 12-13 साल की उम्र में, तो इनको कपड़े मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसा ही शानू को होता है, अब शानू को भी जो है ना कपड़े उसको साथ में ले जाना पड़ता है, इसके फिर भी फुल साइज आते हैं तो इसको इसका पता है कि इसको मिल जाते हैं। तो ये पैंट है उनकी, पहनी थी उन्होंने बहुत अच्छी लगी थी, और लोअर पहन के ले गए हैं। और एक यहाँ पे हाँ ये निक्कर थी हनी के लिए लेके आई, ये दोनों आपस में बाप बेटा बोलते हैं, एक बोलता मैं पहनूंगा दूसरा बोलता मैं पहनूंगा, मैं कह जिसको जो पहनना है वो पहन लो। ये देखो ये निक्कर, उतनी गर्मियाँ वैसे होती नहीं हमारे, पर चलो जरूरत, अब शानू को भी सारी यही चीज़ें लानी पड़ेगी नहीं तो दिमाग खा देगा वो मेरा। तो उसको मैंने फ़ोन किया, मैं कहा तेरे को कुछ नहीं, मैं कहा बेटा मैंने तेरे को और कुछ अपने को कुछ नहीं लिया, बोलता कोई बात नहीं मम्मी मैं आऊँगा ना, तो वैसे नहीं है मेरे बच्चे वो बड़े मतलब समझ जाते हैं, बोलता जब मैं आऊँगा ना तब ले लेंगे हम, है ना। और एक लिया मैंने ये प्रेस, प्रेस नहीं था घर में बिल्कुल भी नहीं, बहुत दिन हो गए थे, टीवी तो चलो ख़राब है, ये जो प्रेस भी नहीं था ये ज़रूरी, इनके स्कूल लगने वाले हैं, अपने आप तो चलो ऐसा कपड़े धोए और उनकी तह लगा दी फिर रख दिए तो उनमें ठीक हो जाते हैं, उतनी सलवटें नहीं रहती, लेकिन बच्चों की ड्रेस है उसमें तो प्रेस बहुत ज़रूरी होता है। तो
मैं ये लेके आई, वैसे भी ये चीज़ जरूरी होती है, जो कुछ ज़रूरी चीज़ें ना वो तो लानी ही पड़ेगी। ठीक है, एक ये लेके आई मैं, और बाकी मैंने आपको दिखा ही दिया सारा है ना, बस यही थी कुछ चीज़ें। और आने वाले टाइम पे आपको बस थोड़ा सा सामान था, आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छी अच्छी जो है चीज़ें मैं दिखाऊंगी, वीडियो आने वाले, मैं पहले भी बोला था मैंने, पर अब मेरा सामान आ गया ना जिसकी मुझे ज़रूरत थी, तो उसके बिना नहीं वीडियो बन पाता, वो मैं करूँगी। और वैसे भी वीडियो के लिए ही नहीं, ऐसे भी जब घर में कोई, मुझे ना वैसे बहुत शौक था साड़ी का, ऐसे नहीं कि मैंने वीडियो के लिए, जैसे शादी होती थी घर में पहन ही लेती है ना, अब तो चल पड़ा रिवाज, वैसे हमारे पहनते नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए पहन लेते हैं, अगर थोड़ी देर के लिए, तो मेरे पास नहीं होती थी, तो मैंने सोचा चलो ये चीज़ ज़रूरी है ना, कभी भी पहन ली, तो इसलिए लेके आई। और बाकी मैं जा रही हूँ शानू को लेने, आज या कल, एक दो दिन में मैं शानू को लेने जा रही हूँ। और कटहल की मैंने सब्जी बनाई है, दूसरे चैनल पे डालूंगी। और चलो मैं चलते चलते ना एक गाना सुना देती हूँ, तो फिर मैं वीडियो का एंड कर दूंगी। हो चढ़ के चढ़ाइया मैया दर तेरे आनिया, हो चढ़ के चढ़ाइया मैया दर तेरे आनिया, चरणा दे बिच बह के तरले में पौनिया, हो जगदीस ताई होई माँ, हो जगदीस ताई होई तेनू मैं बुलाउंदियां माँ, दातिए कर दे रहमतां, अमड़िए कर दे रहमतां, पोड़िए कर दे रहमतां, हो चढ़ के चढ़ाइया मैया तेरे दर आउंदियां, हो चरणा दे विच बह के तरले में पौंदियां, हो जगदीस ताई होई तेनू मैं बुलाउंदियां, हो जगदीस ताई होई मां, भूल गई थी, हो जगदीस ताई होई तेनू मैं बुलाउंदियां मां, दातिए कर दे रहमतां, अमड़िए कर दे रहमतां, ओ पगली दीवानी मैनू लोकी सारे कहण मां, उड़ गई नींदरां ते बुझ गया चैन मां, हनी आ गया रोटी लेके। तो ठीक है, मैं बस यहीं पे अब जो है वीडियो का एंड कर रही हूँ। और किसी का, हाँ मैं रिप्लाई आपको यहाँ पे कर देती हूँ सभी के, जो भी कोई क्वेश्चन पूछता है, नाराज मत होइएगा, क्योंकि पता है क्या, आप ना एक बात और मत सोचना कि फलाना यूट्यूबर हमें रिप्लाई देता है, आप क्यों नहीं देते, जो मेरे अच्छे 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 हैं वो तो कभी नहीं बोलेंगे, लेकिन होता ही है ना थोड़ा सा, चलो सबको होती है कि हमें एक रिप्लाई कर दे, मैं मानती हूँ इस चीज़ को, लेकिन प्लीज़ मेरी मजबूरी समझिएगा। बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि उनको ब्लॉगिंग है, घर का काम है, खाना कपड़े धोना और इतना नहीं है, तो यहाँ तो बस वीडियो डाली, निकलो काम को, फिर पता नहीं रात के 12 बजे रिप्लाई दूंगी मैं कि कितने बजे दूंगी, क्योंकि मैं बैठ तो सकती नहीं कि मैं बैठ जाऊँ, वीडियो डाली और मैं होता ही है ना, तो मैं हार्ट फिर भी सबको देती हूँ और पढ़ती हूँ सबके कमेंट, बहुत अच्छे कमेंट आप लोग करते हैं, और बहुत अच्छा आपका, आप लोगों का जो मुझे सहारा मिल रहा है। ठीक है, तो अभी शानू को और अपने आप को जो कुछ लाऊंगी वो मैं आपको फिर दिखाऊंगी, और नाराज़ मत होइएगा कि मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं करती, मैं करती हूँ हमेशा, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उसको तो मैं ज़रूर करती हूँ, और वीडियो में भी करती हूँ मैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय माता दी, और खुश रहिएगा। और अब लॉकडाउन खुल चुका है हिमाचल में, तो अपना ध्यान रखिएगा, और अपनी सेफ्टी, अपनी केयर हमें खुद ही करनी है, और इसमें हम किसी और को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, अगर कुछ होता है तो मुंह पे मास्क और हाथ सैनिटाइजर, मतलब हर चीज़ हमें बहुत सोच समझ के अब उठानी है, क्योंकि सरकार ने हमारी बहुत हेल्प की, हेल्प ये की कि लॉकडाउन किया, फिर भी चलो जो भी किया बहुत ये था, लेकिन अब कहाँ तक वो भी सब्र करें, तो अब इंसान को खुद ही समझना पड़ेगा, खुद ही अपनी केयर करनी पड़ेगी, भीड़ भाड़ से बचना होगा, और मतलब अपनी केयर हर तरह से करनी होगी, ये मैं आपको बोलना चाहूंगी, हर बार मैं बोलती हूँ, तो चलिए जय माता दी।